हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से नेट बैंकिंग से बहुत बड़े आसानी से हम जो है हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये जो है नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेंगे। तो हम ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पर कर्सर को देखिए, यहाँ पर आपका नाम दिख रहा है, ठीक है। नाम पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला एक है ईमेल आईडी चेंज करने के लिए, उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया। तो दूसरा जो है मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो अब हम मोबाइल नंबर चेंज करने का रिक्वेस्ट लेंगे यहाँ से। तो हम चेंज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर दिखा रहा है और हमें जो है नया मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। तो एंटर कर देंगे हमारा नया मोबाइल नंबर। दोबारा एक बार री एंटर करने बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए आधार कार्ड का eKYC ऑप्शन दिया गया है। या तो आप आधार कार्ड नंबर भी एंटर कर सकते हैं, या तो वर्चुअल आईडी है आपका आधार कार्ड का, तो वो भी एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि OTP हमें भेजा जाएगा। जो नया नंबर हमने एंटर किया उस पर एक OTP हमें भेजा गया है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो है हमारा एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट और ATM पिन हमें एंटर करना है। अब हम एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे दोबारा क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें आधार का कंसेंट हमारा लिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो आधार कार्ड है उस पर OTP भेजा जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें जो है आधार कार्ड का नंबर हमें एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के बाद हम दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमें जो है आधार कार्ड का OTP के लिए हम वेट करेंगे। तो जैसे ही आता है हम एंटर कर देंगे। तो चलो, हमें आज आ चुका है आधार कार्ड का OTP। और अब हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे दोबारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट है प्रोसेस हो चुका है और अंडर प्रोसेस है। और ये जो है हमारे 2 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है हमारा बैंक अकाउंट में भी अपडेट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड है, उसमें भी यही नंबर अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बड़े आसानी से आप जो है आपका मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके का और भी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।